वेलकम टू सेशन नंबर 3 ऑफ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास 7। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड द रेक्टेंगल बी सी डी ई। इन दिस फिगर व्हिच पैरामीटर इज ग्रेटर एंड व्हिच पैरामीटर इज ग्रेटर। हेयर ट्राइंगल इज ए बी ई एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। सो इन ट्राइंगल ए बी ई ए बी इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल टू 2/3/4 सेंटीमीटर। द सिंपल फ्रैक्शन 2 × 4 = 8, 8 + 3 = 11/4 एंड ए इक्वल टू 3/3/5 सेंटीमीटर। 5 × 3 = 15, 15 + 3 = 18/5 सेंटीमीटर। सो दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 11/4 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 18/5 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स एंड द साइड्स आर ए बी प्लस बी प्लस ए एंड द वैल्यू ऑफ ए बी 5/2 प्लस बी इज 11/4 एंड ए इज 18/5 सेंटीमीटर। नाउ 2, 4 and 5 different denominators, so we have to find LCM and the LCM of 2, 4 and 5 is 20. Now 20 divided by 2 = 10, 10 × 5 = 50, so 5 × 10 plus 20 divided by 4 = 5, 5 × 11 plus 20 divided by 5 = 4, 4 × 18 सेंटीमीटर। नाउ 5 × 10 = 50 प्लस 11 × 5 = 55, 4 × 18 = 72/20 सेंटीमीटर। नाउ 50 + 55 + 72 = 177 / 20 सेंटीमीटर। नाउ 177 / 20 = 8/17/20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज 8/7/17/20 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई रोम नंबर 2, the length of BCDE equal to length is B and B is 2/3/4 centimeter. In simple fraction 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11/4 centimeter and breadth is breadth of BCDE equal to 7/6 centimeter. Now perimeter of rectangle BCDE equal to 2 × length + breadth. Here length is 11/4 and breadth is
7 अपॉन 6 सेंटीमीटर। नाउ एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 इंटू 11 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 2, 2 इंटू 7 सेंटीमीटर। हियर 2, 3 इंटू 11 33 प्लस 2 इंटू 7 14 अपॉन 12 सेंटीमीटर 6 टाइम। नाउ 33 प्लस 14 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। नाउ 47 अपॉन 6 इज 7 एंड 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर। 7 6 42, 42 प्लस 5 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। सो विच पेरीमीटर इज ग्रेटर? हेयर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 7 एंड 5 अपॉन 6 एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 8 एंड 17 अपॉन 20। सो विच पेरीमीटर इज ग्रेटर? नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल टू 8 एंड 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर। सो वी कैन से द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 7 एंड 5 अपॉन 6 एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 8 एंड 17 अपॉन 20। वॉल नंबर इज हेयर 7 एंड हेयर 8। सो विच इज ग्रेटर, 7 और 8? 8। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 6 इज सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। द पिक्चर इज 7 एंड 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 एंड 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड? सो क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रेथ इज पिक्चर इज वाइड ऑफ पिक्चर इक्वल टू 7 एंड 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर। इन सिंपल फ्रैक्शन 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 3 38 अपॉन 5 सेंटीमीटर। एंड द वाइड ऑफ फ्रेम इक्वल टू 7 एंड 3 अपॉन 10। टेन इंटू 7 70 प्लस 3 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर। नाउ हेयर डिनोमीटर इज 5 एंड हेयर 10। सो पहले हमें डिनोमीटर सेम करेंगे। द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10। नाउ 38 अपॉन 5 इक्वल टू 38 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 76 अपॉन 10। देयरफॉर वाइड्थ ऑफ पिक्चर इक्वल टू 76 अपॉन 10 सेंटीमीटर। नाउ देयरफॉर टू फिट द पिक्चर इन फ्रेम पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड
equal to. Here the width of frame is 73 upon 10 and the width of picture is 76 upon 10. So 76 upon 10 minus 73 upon 10. That means width of picture minus width of frame. And the width of picture is 76 upon 10 minus 73 upon 10 centimeter. And 10, 76 minus 73 equal to 3 upon 10 centimeter. Therefore, picture should be 3 upon 10 centimeter. Question number 7. Ritu ate 3 upon 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat and who had the larger share by how much? So question number 7. Share of Ritu equal to 3 upon 5 and share of Somu means total kitna hai 1 minus share of Ritu equal to 1 minus 3 upon 5 LCM 5. So 5 minus 3 equal to 2 upon 5. Here share of Ritu is 3 upon 5 and the share of Somu is 2 upon 5. Now here denominators are same. So 3 is greater than 2. That means share of Ritu is greater than share of Somu. Therefore 3 upon 5 is greater than 2 upon 5. So share of Ritu is greater than share of Somu. Now difference between share of Ritu and Somu. Share of Ritu and Somu equal to 3 upon 5 minus 2 upon 5. 3 minus 2 equal to 1 upon 5. Therefore, Ritu's share is 1 upon 5 more than Somu's share. That means Ritu is 1 upon 5 more than Somu. Now question number 8 and the last question of exercise 2.1. And the question number 8 is, Michael finished coloring a picture in 7 upon 12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3 upon 4 hour. Who worked longer and by what fraction was it longer? Michael 7 upon 12 hour time leta hai and Vaibhav 3 upon 5 hour same picture ko color karne mein. So who worked longer, kisne jyada time kaam kiya hai aur kitna time kiya hai. Now question number 8. Now time taken by Michael
टू फिनिश द पिक्चर. इक्वल टू 7/12 hours. एंड टाइम टेकन बाय वैभव टू फिनिश द पिक्चर इक्वल टू 3/4 hours. Now, 7/12 and 3/4. So, first we have to same denominator. That means, दोनों का denominator क्या करना है? Same करना है. तो, same करने के लिए, LCM. Now, LCM of 4 and 12 is 12. So, 3/4 equal to 3/4 into 3/3. 3 into 3, 9, and 4 into 3, 12. Here we can see 7/12, and this one 9/12. Since 9 is greater than 7, therefore 9/12 is greater than 7/12, and the 9/12 is 3/4. That means the time taken by Vaibhav to finish the picture is greater than the time taken by the Michael to finish the picture. So therefore Vaibhav takes more time to finish the picture. Now, how much? So, we have to find the difference. Now, difference between time taken by Vaibhav and Michael equal to three upon four minus 7/12. LCM of 4 and 12 is 12. 12 divided by 4, 3. 3 into 3 is 9 minus 7. So 2/12, that means 1/6 hours. Therefore, Vaibhav takes 1/6 hours more than Michael to finish the painting. So that's all for today's session, and in the next session we will learn the multiplication of fractions. So thank you and have a good day.